हेलो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक न्यू स्टोरी लिख रहे हैं. सो द नेम ऑफ योर स्टोरी इज क्रैंकी मकाओ. बेसिकली क्रैंकी मकाओ एक पैरट की स्टोरी है. क्रैंकी मीन्स होता है सन की. एक पैरट है इसमें जो कि बहुत ही अजीब व गरीब है. इसके अंदर दो कैरेक्टर है जो बहुत मेन है, एक जॉनी जे जो ये मैन बैठा हुआ है और एक क्रैंकी मकाओ जो ये पैरट है. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. ओल्ड सेलर जॉनी जे लव द सी. जो ओल्ड सेलर है जॉनी जे, उनको समुद्र से बहुत ज़्यादा प्यार है. फ्रॉम द ईयर ही टर्न 12, जब वो 12 साल के थे ही स्टार्टेड सेलिंग, तब से वो सेल कर रहे हैं, यानी कि तब से वो एक नाविक है. सिंस दैन इट हैज़ बीन 66 ईयर्स ही हैज़ सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. उन्होंने अप्रॉक्स पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बोट सेल की है. ही हैड सीन मैनी कंट्रीज, उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज देखी है. बट द सी वॉज इज होम, लेकिन समुद्र ही उनका घर है. He did not like to live on the land for a long period of time. वो ज़्यादा समय तक धरती पर रहना पसंद नहीं करते हैं. He had a small cabin on an island of Guyana. उनका एक small cabin है Guyana के island में. ये island Caribbean में है. Where he chose to stayed with his family. वहाँ पर वो अपनी family से अलग रहते हैं. Stayed मतलब family से अलग रहते हैं. Which lived on a nearby island. और उनकी family कहाँ रहती है? पास के ही आइलैंड में रहती है. जॉनी जे हैज़ हैड ओनली वन कॉन्स्टेंट फ्रेंड ओवर द ईयर्स. जॉनी जे का सिर्फ एक ही फ्रेंड है काफ़ी सालों पहले से, क्रेजी कूट. द नेम ऑफ हिज फ्रेंड इज क्रेजी कूट. यहाँ पे क्रेजी कूट किसके लिए यूज़ किया गया है? उस क्रैंकी मकाओ के लिए. एज ही वॉज नोन स्पोक लाइक अ मैन बट विद अ वेरी ओल्ड श्रिकिंग टोन. वो क्रेजी कूट है, जो पैरट है, वो बिल्कुल मैन की तरह बिहेव करता है, मैन की तरह ही बोलता है, काफ़ी लाउड बोलता है एंड श्रीकिंग टोन में बोलता है. क्रेजी कूट एंड जॉनी जे बोथ लिव द सी एंड लाइक ऑल सेलर्स इन्जॉय देयर कंपनी. क्रेजी कूट एंड जॉनी जे दोनों एक साथ रहते हैं और दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे कि बाकी सेलर्स को होती है. मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड दैम क्रैंकी विथ पीपल, बट वॉट मेड क्रेजी कूट रियली स्पेशल वॉज दैट ही वॉज अ मकाओ, अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरट. लोगों से मिलना, अगर ये लोग लोगों से मिलते हैं तो डेफिनेटली ये क्रैंकी हो जाते हैं, इनका सनकी हो जाते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता लोगों से मिलना. लेकिन पैरट स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो एक क्रेजी कूट स्पेशल क्यों है? क्योंकि वो एक पैरट है, अमेरिकन पैरट, इसलिए वो काफ़ी स्पेशल है. एंड इन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. हिज प्लूमेज एंड टेल फेदर्स वॉज स्कारलेट इन कलर. प्लूमेज का बेसिकली मीनिंग यही है, जो फेदर्स इनकी बॉडी पे होते हैं उसका मतलब इनके जो प्लूमेज है, यानी कि इनके जो फेदर है बॉडी पे और टेल पे जो फेदर है, वो कौन से कलर के हैं? स्कारलेट इन कलर. स्कारलेट मीन्स ब्राइट रेड कलर के हैं. द रम्प ऑफ लाइट ब्लू, और जो इनका रम्प है मीन्स जो इनके बैक साइड वाले फेदर हैं वो लाइट ब्लू कलर के हैं, एंड जो अपर विंग्स हैं वो येलो कलर के हैं. मकाओ आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन बी टॉट टू स्पीक. जो पैरट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और हम उनको बोलना भी सिखा सकते हैं. क्रेजी कूट हैड अ बैड टेम्पर, पर जो इनके पास मकाओ है, यानी कि इनके जो मकाओ का नेम है क्रेजी कूट, उसका बैड टेम्पर्ड है, यानी कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है. एंड वैन इरीटेट ही वुड शाउट ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमन्स. और जब वो इरीटेट हो जाते हैं मकाओ, तो वो किसकी तरह शाउट करते हैं? एकदम ह्यूमन्स की तरह. किसकी तरह चिल्लाते हैं? इंसानों की तरह चिल्लाते हैं. ही लव्ड वॉचिंग ओल्ड मूवीज विद जॉनी जे. उनको ओल्ड मूवीज देखना बहुत पसंद है. वो जॉनी जे के साथ ओल्ड मूवीज देखते हैं. एंड कुड इमिटेट साउंड इन गन फायर, और एकदम गन फायर का जैसा साउंड होता है ना, उस साउंड की तरह नकल निकालते हैं. ही कुड ऑल्सो स्पीक सम डायलॉग्स फ्रॉम सम मूवीज, और वो बहुत सारे डायलॉग्स भी बोल, कुछ डायलॉग्स बोल सकते हैं, कुछ मूवीज के जो सिलेक्टेड डायलॉग्स हैं वो भी बोल सकते हैं. ही लव टू विसल, और जो क्रैंकी मकाओ है उनको सीटी बजाना भी बहुत ज़्यादा पसंद है. वैन एवर ही सॉ अ गर्ल और अ वुमन, जब भी वो किसी लड़की को या किसी वुमन औरत को देखते हैं, ही वुड विसल लाउडली एंड प्रिटेंड टू फेंट. बहुत ज़ोर से सीटी बजाते हैं और सीटी बजा के ऐसा बिहेव करते हैं जैसे कि वो बेहोश हो गए हैं. फेंट का मतलब बेहोश हो जाना. किस तरह प्रिटेंड करते हैं वो? जैसे कि वो बेहोश हो गए हैं. ही ऑल्सो थ्रू हिज फेवरेट फूड सनफ्लावर सीड्स. जो उनका फेवरेट फूड है किसका? क्रैंकी मकाओ का. वो है सनफ्लावर सीड्स. थ्रू आउट जॉनी जे हाउस, जॉनी जेज हाउस एंड लव टू हाइड बिहाइंड थिंग्स. मतलब जो उनका फेवरेट फूड है सनफ्लावर सीड्स, वो जॉनी जे के घर की तरफ फेंकते हैं और उनको चीज़ों के पीछे छुपना बेहद पसंद है.
मींस क्रैंकी मकाओ अगर उनके घर में या उनके कैबिन जहाँ पे वो रहते हैं गुआना में, उनके कैबिन में जितनी भी चीज़ें होती है उनके पीछे छुपना बहुत ज़्यादा पसंद है। किसे पसंद है? क्रैंकी मकाओ को ये सब करना बहुत पसंद है। जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर अ वेल्ड मैच पेयर, स्टबर्न एंड सॉलिटरी। और जो क्रेजी कूट है एंड जॉनी जे है, क्रेजी कूट कौन? जो क्रैंकी मकाओ है, दैट मीन्स जो सन की पैरट है वो, एंड द अदर इज जॉनी जे यानी कि जो सेलर है, उन दोनों को, वो दोनों वेल मैच है। वेल मैच क्यों है? वेल मैच क्यों है? क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है। ये दोनों ही बहुत अजीब है। इन दोनों को लोगों के साथ या लोगों के बीच रहना ज़्यादा पसंद नहीं है। दोनों को ही लैंड पे रहना पसंद नहीं है। समुद्र बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए इन दोनों का जो पेयर है वो एकदम वेल मैच्ड पेयर है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। दोनों को ही जो चीज़ें जॉनी जे को पसंद नहीं है वही से मकाओ को पसंद नहीं है, इसलिए दोनों का एकदम वेल मैच पेयर है। जॉनी जेज ओल्ड सिस्टर मिसी मे वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ द मकाओ, लेकिन जो जॉनी जे की सिस्टर है मिसी मे, वो ज़्यादा मकाओ को पसंद नहीं करती है। फॉन्ड का मतलब कुछ ज़्यादा प्रिय नहीं है, जो मकाओ है उसको मिसी मे पसंद नहीं करती है। शी वुड विजिट दैम वेन जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वॉज स्टेइंग इन देअर होम ऑन द आइलैंड ऑन गुआना, और अधिकतर वो अपने भाई से मिलने के लिए आती रहती है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गुआना में रहते हैं, उस कैबिन में अधिकतर मिसी में मिलने के लिए आती रहती है। व्हेनेवर मिसी मे वाज अराउंड क्रेजी कूट ही वुड स्क्रीच एट हर, और जब भी मिसी मे आती है तो जो क्रेजी कूट है यानी कि जो पैरट है वो बहुत ही हाई और अनप्लीजेंट साउंड निकालता है, किस पे? मिसी मे पे। देन ही वुड मेक साउंड ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट एंड लाफ अलाउड, और किस तरीके की वॉइस निकालता है? पुलिस के सायरन की, गन शूट की, एंड बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता है। मिसी मे एज़ यू कैन इमेजिन, आप इमेजिन कर सकते हैं, वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद क्रेजी कूट। आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हैं कि जो मिसी मे है वो क्रेजी कूट से ज़्यादा तो खुश नहीं रहती होगी डेफिनेटली। वन आफ्टरनून मिसी मे केम टू विजिट जॉनी जे, एक बार एक आफ्टरनून यानी कि एक दोपहर की बात है कि मिसी मे अपने भाई जॉनी जे से मिलने आई थी। When she did not find her brother in the house, जब उन्होंने अपने भाई को house के अंदर नहीं पाया, she decided to sleep in the parlor for some time. उन्होंने सोचा क्यों ना उस घर के, उस cabin के parlor, यानी कि उस cabin के guest room में थोड़ी देर सो लिया जाए, थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। She ignored crazy coot, और उन्होंने crazy coot को पूरी तरीके से ignore किया। When he did not get the attention that he wanted, जब क्रेजी कूट को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिला मिसी मे से जो वो चाहता था, सो क्रेजी कूट स्टार्टेड मटरिंग एंड देन हिड बिहाइंड सम बुक्स, तो क्रेजी कूट ने मटरिंग यानी कि बड़बड़ाना शुरू कर दिया और बुक्स के पीछे जाके छुप गया। आप अभी इस पिक्चर में देखिए, वो बुक्स के पीछे ही छुपा हुआ है। देन अ थीफ क्लाइम्ड इन फ्रॉम द विंडो ऑफ द पार्लर, तभी उस विंडो में से एक चोर अंदर घुसा। ही स्टार्टेड पुटिंग थिंग्स इन हिज बैग क्वाइटली बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेक अप मिसी मे, उसने धीरे धीरे उस कैबिन की चीज़ों को उठा के अपने बैग में डाला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिसी में जाग जाए। बट द थीफ डिड नॉट नो अबाउट द क्रेजी कूट, लेकिन जो थीफ था वो क्रेजी कूट के बारे में नहीं जानता था। हु वॉज हाइडिंग बिहाइंड द बुक्स, जो कि कहाँ पे था? बुक्स के पीछे छुपा हुआ था। सडनली टेरिफाइड द थीफ स्टूड एट इफ ही टर्न इन टू द स्टोन, सडनली कुछ ऐसा हुआ कि जो थीफ था वो बिल्कुल पत्थर की तरह एक जगह खड़ा हो गया। और क्या हुआ उसके साथ? आउट ऑफ नाउवेयर समवन स्टार्टेड, पता नहीं किस जगह से किसी ने बहुत तेज़ चिल्लाना शुरू कर दिया। और क्या चिल्लाना शुरू किया? यू थीफ, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल। किस क्या चिल्लाना शुरू कर दिया कि तुम चोर, तुमने मुझे मार डाला, मुझे अकेला छोड़ दो, मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम जेल में जाओगे। इट वॉज फॉलोड बाई द साउंड ऑफ पुलिस सायरन एंड गन शॉट, और ये साउंड पुलिस सायरन और गन शॉट के बजने के बाद किसी ने इस तरीके की आवाज़ें निकालना शुरू कर दिया। द थीव जम्प टू एस्केप, जैसे ही थीव था वो भागने के लिए जैसे ही उसने जंप की, एंड द सेम टाइम द सिस्टर शूट अप फ्रॉम द चेयर, और जो सिस्टर थी वो फटाफट चेयर पे से खड़ी हो गई। जो मिसी मे थी वो खड़ी हो गई, जाग गई थी और एकदम खड़ी हो गई वो। सरप्राइज द थीव ट्रिप्ड एंड स्टक विद हेड ऑन द टेबल ही फेटेड, और जैसे ही थीव ने जंप करी इतने में वो स्लिप हुआ, उसका पैर स्लिप हो गया और टेबल से उसका सर जाकर भिड़ गया और वो फेटेंड यानी कि वो बेहोश हो गया। मिसी मे देन कॉल द पुलिस, मिसी मे ने किसको बुलाया? पुलिस को बुलाया। हु अरेस्टेड द थीफ फीलिंग एक्सेटिक एक्सटेटिक
एट बींग सेव्ड मिसी मे वेंट टू क्रेजी कोर्ट टू पैट हिम। और इतने में मिसी मे ने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने अरेस्ट किया उस थीफ को, और उसके बाद मिसी मे उस पेट के पास गई। बट वॉट डू यू थिंक डिड द ऑलरेडी इरीटेटेड क्रेजी कोट डू? पर आपको पता है कि जो ऑलरेडी क्रेजी कोट बहुत ज़्यादा इरीटेट था, उसने क्या कहा? क्रेजी कोट सैड, क्रेजी कोट ने वापस वही वॉइस निकालना स्टार्ट कर दी, यू थीफ, यू किल मी, लीव मी अलोन, आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल। आ दैट मीन्स ये था कि वो वॉइस किसने निकाली थी? क्रेजी कोट ने ही निकाली थी, यानी कि उस मकाओ ने ही निकाली थी। द पुलिस फ्रोज व्हेन दे हर्ड द क्रेजी कोट एंड देन बर्स्ट आउट लाफिंग। पुलिस उसी जगह एकदम फ्रोस्ट हो गई जब उसने ये आवाज़ सुनी क्रेजी कोट की, और ज़ोर ज़ोर से पुलिस ने हंसना शुरू कर दिया। दे अंडरस्टूड हाउ मिसी मे वॉज एबल टू एस्केप अनहर्ट। तब पुलिस को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया कि मिसी मे किस तरह बची है, यानी कि अगर क्रेजी कोट नहीं होता तो मिसी मे नहीं बचती, मीन्स थीफ उनको हर्ट कर सकते थे। तो मिसी मे जो अनहर्ट है, यानी कि उनको बिल्कुल भी चोट नहीं आई है, वो बिल्कुल प्रॉपर वे में है, वो किसकी वजह से है? बिल्कुल क्रेजी कोट, यानी कि एक पैरट की वजह से। तो बेसिकली ये स्टोरी एक जे और पैरट दोस्ती की स्टोरी थी। इसमें पैरट ने उनके घर का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा, जॉनी जे के सिस्टर को अनहर्ट, यानी कि उनको किसी भी हर्टिंग से बचाया, क्योंकि अगर थीव था वो डेफिनेटली हर्ट कर सकता था उनको। सो बेसिकली ये चैप्टर क्रेजी गोट के बारे में था। थैंक